Hello dear business owners, you are most welcome on this video. My name is Sunil Chaudhary, India's leading digital coach, best digital marketing coach, best SEO expert and business growth consultant. जो भी मैंने बोला है वो सब आप गूगल कर सकते हैं और मैं आपको गूगल के फर्स्ट पेज पर मिलने वाला हूँ. मेरा नाम है सुनील चौधरी और मुझे सुनील टैम गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है. सबसे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है और इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन पर क्लिक कर दें, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट वीडियोज ही बना रहा हूँ आजकल और आने वाले टाइम में और ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं मिशन पर हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को पावरफुल बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस को पावरफुल बनाने के लिए. बट मैं सिर्फ उन्हीं को बना सकता हूँ जो लोग इच्छा रखते हैं, जो बिजनेस ओनर्स इच्छा रखते हैं कि उनकी हेल्प की जाए. ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड क्लिकिंग ऑन बेल बटन. मैं आज बात करने वाला हूँ CRM की, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. हमने सुना भी होगा, शायद नहीं भी सुना होगा, और मैं आपको कुछ फायदे समझाता हूँ डिटेल में नहीं, बहुत ही शॉर्ट में. पहला फायदा है बेटर कस्टमर सर्विस, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता अगर CRM नहीं होता कि कब किसको कॉल करनी है, हमने किसको क्या प्रॉमिस किया था, किसको क्या रिजॉल्व करना है, कुछ नहीं होता. अगर याद आ गया तो कॉल कर दी, नहीं याद आया तो इट्स ओके, सॉरी बोल दिया, अननेसेसरी अपोलोजाइज कर दिया, तो जो कस्टमर एक्सपीरियंस है बहुत पुअर हो जाता है. बट अगर CRM है और हम उसका प्रॉपर यूज कर रहे हैं तो कस्टमर सर्विस हमारी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज सेल्स. आपकी सेल्स बढ़ जाती है. क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि CRM आप यूज कर रहे हैं, वहाँ टाइम टू टाइम पता लग जाता है कि आदमी को कब कॉल करनी है, कब को फॉलो अप करना है, सारे नोट्स वहाँ लिखे हुए हैं कि आपकी क्या क्या बातें हुई हैं. एक्सेल शीट की तरह आपको एक पॉइंट दो वर्ड्स नहीं लिखने होते, CRM में आप पूरी कहानी लिख सकते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं. जैसे कि आप अगली बार कॉल करेंगे तो आपको पता होगा कि मेरी से क्या बातें हुई हैं और अगली बार मुझे क्या बातें करनी है. आप स्ट्रेटजी बना सकते हो और टाइमली फॉलो अप कर सकते हो, इससे आपकी सेल्स डेफिनेटली बढ़ जाती है. तीसरा पॉइंट है डिटेल्ड एनालिटिक्स. ये क्या होता है? डिटेल्ड एनालिटिक्स का मतलब है आपको पता है आपने कितने लोगों को कॉल किया, कितने लोगों को फॉलोअप में दिया, कितने लोगों को आज तक कॉल कर चुके हैं, कितनी सेल्स हुई, कितने कन्वर्जन हुए, तो आप डिसीजन ले सकते हैं उसी हिसाब से, अपने विश्लेषण करने में आपको मदद मिल जाती है. तीसरा है हायर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. कई बार पहले हम क्या करते थे, गूगल शीट से एक्सेल शीट से फॉलोअप कर रहे हैं, 1000 का डेटाबेस है, कभी ऊपर कर रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं, डेटा को ढूंढ रहे हैं, फिर डिसीजन ले रहे हैं कि कॉल करूं नहीं करूं इस क्लाइंट को, इस कस्टमर को, और टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है. CRM में सीधे सीधे सामने है कि पहले इस क्लाइंट को फॉलोअप करना है, फटाफट से कॉल कीजिए, इंटरेस्टेड हो तो ठीक है और नहीं है इंटरेस्टेड फॉलोअप में डालिए, टास्क क्रिएट कीजिए और छोड़ दीजिए. वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइज डेटाबेस. आप अपना ऑफिस कहीं भी ले जाइए, बट अगर आप CRM यूज कर रहे हैं, प्रॉपर वर्ल्ड क्लास CRM, तो आपका डेटाबेस आपके साथ है हमेशा, आप कभी भी बैकअप ले सकते हैं, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन के ऊपर सुरक्षित रहता है. मल्टीपल बैकअप्स होते हैं CRM के. बेटर कस्टमर सेगमेंटेशन. बेटर कस्टमर सेगमेंटेशन, आप कस्टमर्स को सेगमेंट्स में कर सकते हो, मतलब उनका वर्गीकरण कर सकते हो, उनकी क्लासेस बना सकते हो कि ये कस्टमर 1 करोड़ का है, ये 2 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, या ये इस प्रोडक्ट का है, ये इस प्रोडक्ट का है, इस प्रोडक्ट का है, या ये सर्विस का है, इस सर्विस का है, इस सर्विस का. जो भी आपके लेवल्स हैं, प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, वो सारी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो. जैसे मेरे पास कुछ क्लाइंट हैं गूगल माई बिजनेस के, कुछ क्लाइंट हैं मेरे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के, कुछ क्लाइंट हैं मेरे पास CRM के, और कुछ क्लाइंट हैं मेरे पास OCOCOC, जो पावरफुल ऐसी सर्विस है इंडिया में लोकल बिजनेस ओनर्स के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल सर्विस उसके क्लाइंट है. ऑटोमेशन पॉसिबिलिटी. अगर आप एक वर्ल्ड क्लास CRM यूज करते हैं तो बहुत सारी चीजों का ऑटोमेटेड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर्स को फॉलो अप ईमेल जाना, उनको पेमेंट रिमाइंडर जाना, उनको ईमेल के सीक्वेंसेज जाना, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं. आपको ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि हफ्ते में कितने लोगों को कॉल हुई, 15 दिन में कितने लोगों को कॉल हुई, 1 महीने में कितनी कॉल हुई, कितने कन्वर्ट हुए, कितने पेमेंट हुए, कितनी सेल्स हुई. एवरीथिंग इज पॉसिबल विद ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स. लास्ट जो पॉइंट है CRM का फायदा, वो है सेल्स फोरकास्टिंग. आपको पता चला, डेटा हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि सेल्स किस हिसाब से जा रही है, तो आप अगले महीने की सेल को फोरकास्ट कर सकते हो. क्योंकि आप पिछले 1 साल का देखोगे कि भाई अभी अप्रैल चल रहा है, पिछले अप्रैल में कितनी सेल थी और फिर हमारा ग्राफ किस तरीके से चेंज हुआ है, तो उसे आप कुछ फोरकास्ट कर सकते हैं इजीली. बिल्कुल आप एक्सपर्ट नहीं हो फोरकास्टिंग के, बट फिर भी क्योंकि वो डेटा इतना क्लियर होता है CRM का, क्योंकि आप फोरकास्ट कर सकते हो कि कितनी सेल होने वाली है. वैसे आप अपना बिजनेस करते हो, अपने बिजनेस को चलाते हो, तो इतना एक्सपीरियंस तो वैसे ही होता है. दैट्स ग्रेट. ये थे CRM के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फायदे, 8 benefits ऑफ CRM. और मैं कौन हूँ? मैं उसमें जो कि मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए, CRM सेटअप करने वाला हूँ. अगर आप इंटरेस्टेड है कि मैं आपके लिए CRM सेटअप करूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ. और आप फ्री CRM सेटअप करना चाहते हैं अपना, उसका लिंक भी देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप बहुत इजीली खुद भी कर सकते हैं. और आप चाहते हैं मैं करूँ,
मैं अफोर्डेबल प्राइसिंग पे आपके लिए सीआरएम सेटअप करके देने वाला हूँ। सिर्फ सीआरएम ही मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, डिस्कशन करेंगे डिटेल में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।